अब मैं हरियाणा लिए चलता हूं। रोहतक में मेरे सहयोगी सचिन है, वहां वोटिंग कैसी रही बताइए। जी देखिए, रोहतक में क्योंकि गर्मी की वजह से वोटर्स ने मॉर्निंग आवर्स में वोट करना जो है ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि दोपहर को जिन पोलिंग बूथ्स पे पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे थे वहाँ पे वोटर्स की संख्या कम थी, तो सुबह के टाइम जो है वो ब्रिस्क वोटिंग हुई है। अब देखना यह है कि फाइनल जो टैली आएगी पोल परसेंटेज की, उसमें क्या पिछला जो 2019 का जो वोटर टर्नआउट है उसके नज़दीक पोलिंग परसेंटेज जाती है या नहीं। फिलहाल हरियाणा की 10 सीटों पर पोलिंग जो है आज मुकम्मल हो चुकी है, 6 बजे तक ये पोलिंग थी। अब जो किस्मत है जो कैंडिडेट्स की वो बंद हो गई है ईवीएम में, पर सबसे बड़ा प्रश्न है हरियाणा में कि क्या 10 की 10 सीटें जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी क्या उसको रिपीट कर पाएगी बीजेपी जो है इस परफॉर्मेंस को 2024 के इलेक्शंस में, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं इन चुनावों में जो हैं 2019 से थोड़ा अलग थी, क्योंकि 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरियाणा में हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जो है पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक दी गई थी। तो फिलहाल ईवीएम्स में किस्मत जो है कैद है। फाइनल टैली जो है लगभग 74% जो है पोल परसेंटेज था, जो हम 2019 की बात करें लगभग 74% पोलिंग जो है हरियाणा में हुई थी। अब फाइनल फिगर का वेट होगा हरियाणा में आज की कितनी पोलिंग जो है हरियाणा में हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मेघा उपाध्याय भी रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेघा के पास भी चलते हैं। मेघा, वहाँ पर आज महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे, कई दिग्गजों ने भी वहाँ पर वोट किया है, और वोटर्स का मिजाज वहाँ पर कैसा था बताइए। जय विवेक, यहाँ गर्मी थोड़ी कम थी, सुबह की मैं बात करूँ तो तापमान तकरीबन 25 डिग्री के आसपास बना था। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन मौसम मेहरबान था और मेहरबानी का असर जो है वोटों में देखने को मिला। तकरीबन 61% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई। मैं जिस पोलिंग बूथ पर थी वहाँ, मैं कई पोलिंग बूथ पर गई, वहाँ पर भी जो तस्वीरें जो आंकड़े दिखे उसके हिसाब से सुबह ज़्यादा वोटर्स और महिला वोटर्स की जो संख्या है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली। पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ ज़्यादा थी। मैं बात करूँ कुछ खास इलाकों की, जो खास करके मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां पर भी बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ऐसे में पिछले बार के आंकड़ों की मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज कुछ कम जरूर हुए, लेकिन एक फाइनल रिजल्ट मैं अभी भी, क्योंकि कहीं कहीं वोटिंग जो है प्रक्रिया लास्ट के चरम पे मैं जहां पर हूं वहां पर भी बस खत्म होने के कगार पे, तो मैं बात करूं तो आंकड़े तकरीबन बराबर ही है, बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। युवाओं की जो वोटिंग है उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है पिछले बार के मुकाबले। ये काफ़ी चिंता का विषय है कि युवाओं में जो है युवा उदासीन हुए हैं, जो युवा वोटर्स हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।